हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग रिव्यूज़ एंड क्यूज़ में। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज आपके लिए लेटेस्ट नर्सेस रिक्रूटमेंट लेकर आया हूँ। दोस्तों इस रिक्रूटमेंट के बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन जानेंगे। उससे पहले दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक करें, और साथ में दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते जाएँ। दोस्तों यह जो वैकेंसी है ILBS से होने वाली है, ILBS दिल्ली का जो इंस्टीट्यूट है उससे होने वाली है। जी हाँ बिल्कुल, इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंस से। दोस्तों यहाँ कुछ वैकेंसी टेम्प्रेरी होने वाली है और कुछ वैकेंसी परमानेंट होने वाली है। दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन आप वीडियो में जाने, उसके लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते जाएँ। दोस्तों यहाँ सबसे पहले आपको बात करेंगे हम नर्स की। तो यहाँ फर्स्ट में होने वाली है एग्जीक्यूटिव नर्स की वैकेंसी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ जो है टोटल आपकी 63 पोस्ट होने वाली है। दोस्तों चार पोस्ट यहाँ EWS से होने वाली है, 63 पोस्ट OBC से होने वाली है, 5 पोस्ट SC से होने वाली है, साथ में इसमें इंक्लूडिंग बैकलॉग जो है इंक्लूड किया गया है। दोस्तों यहाँ एज लिमिट आपकी 30 होने वाली है। दोस्तों ग्रेड पे आपकी यहाँ 2400 रहने वाली है। अप्लाई के लिए दोस्तों यहाँ क्लिक करना होगा आपको। इसके बाद दोस्तों आगे यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव नर्स की पोस्ट होने वाली है। यहाँ दोस्तों आपकी जो पोस्ट है 34 पोस्ट यहाँ जनरल के लिए होने वाली है, 11 पोस्ट EWS के लिए, 28 पोस्ट OBC के लिए, 14 पोस्ट SC के लिए और 28 पोस्ट ST के लिए। इंक्लूड बैकलॉग, यहाँ बैकलॉग की पोस्ट भी इंक्लूड की गई है। 28,404 आपकी इसमें सैलरी रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों यह जो पोस्ट है यह आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। आगे दोस्तों यहाँ और पोस्ट भी निकाली गई है, उसके बारे में हम बात करेंगे आपसे। नर्स PH की पोस्ट है, यानी दोस्तों हैंडीकैप्स के लिए यह पोस्ट होने वाली है। इसमें दोस्तों 4600 ग्रेड पर होने वाली है। पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे अच्छी खासी पोस्ट होने वाली है। इसके बाद दोस्तों आगे हम बात करेंगे यहाँ पे जूनियर नर्स PH की। जूनियर नर्स PH की भी निकाली गई है, इसमें दोस्तों 4200 ग्रेड पे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो 4200 ग्रेड पे होने वाली है। इसके बाद दोस्तों एग्जीक्यूटिव नर्स की पोस्ट है, जो कि 2400 यहाँ ग्रेड पे होने वाली है। जूनियर एग्जीक्यूटिव नर्स की भी यहाँ पोस्ट है, जो कि 28,404 इसमें सैलरी रहने वाली है। दोस्तों ये सब जो पोस्ट है लास्ट वाली, ये मैंने आपको हैंडीकैप्स के लिए बताई है। आगे दोस्तों यहाँ एडवर्टाइजमेंट में आपके लिए 15 मार्च जो है इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है दोस्तों। जी हाँ बिल्कुल, ऑनलाइन आपको इसमें अप्लाई करना होगा। 15 मार्च आपकी इसमें लास्ट डेट रहने वाली है। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों हम इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करते हैं, और बाकी अदर इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट रूल जो है उसके लिए यहाँ क्लिक करते हैं। दोस्तों बाकी जो ये रिक्वायरमेंट्स रूल्स है ये हमारे सामने है। इसमें दोस्तों आपको अब इसमें हम बात करते हैं एजुकेशन आपकी क्वालिफिकेशन की। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ दी गई है दोस्तों। फर्स्ट में यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर नर्स की पोस्ट है, जिसमें BSc नर्सिंग विद मिनिमम 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है MSc नर्सिंग, यदि हेमेटोलॉजी लीवर क्रिटिकल केयर और लीवर ट्रांसप्लांटेशन में यदि आपका एक्सपीरियंस हो, 5 ईयर्स का यदि आपका एक्सपीरियंस हो, GNM कैंडिडेट हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 12 साल का आपका एक्सपीरियंस होना मांगा गया है इसमें। आगे दोस्तों आप देखें तो यहाँ क्रिटिकल केयर के लिए आपको रखा जाएगा, इसमें 5400 आपकी ग्रेड पे रहने वाली है दोस्तों। इसमें जी हाँ दोस्तों, इसमें 1 लाख के अबोव आपकी सैलरी रहने वाली है। 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पोस्ट होने वाली है नर्स की। जी हाँ बिल्कुल, नर्स की पोस्ट होने वाली है, जिसमें BSc नर्सिंग 5 साल का आपका जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। और साथ में दोस्तों आपको इसमें MSc नर्सिंग वाले भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। GNM कैंडिडेट जो है उनको 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ ग्रेड पे दोस्तों आपकी 4600 रहने वाली है। एज की बात करें तो 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं।
आगे दोस्तों यहाँ पर जूनियर नर्स की पोस्ट होने वाली है। जी हाँ, जूनियर नर्स की पोस्ट यहाँ होने वाली है, जिसमें बीएससी नर्सिंग विद ए मिनिमम 3 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। और दोस्तों यहाँ पर एमएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि हेपेटोलॉजी उनका सब्जेक्ट होना चाहिए। 33 इयर्स तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेड पे यहाँ पर 4200 रहने वाला है। आगे दोस्तों यहाँ एग्जीक्यूटिव नर्स की पोस्ट होने वाली है, जिसमें कि GNM 4 इयर्स एक्सपीरियंस जो है कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 30 इयर्स यहाँ एज लिमिट होने वाली है। पे स्केल दोस्तों यहाँ पर ग्रेड पे इनका 2400 रहने वाला है। आगे दोस्तों यहाँ पर ये सभी पोस्ट होने वाली है, जो कि मैंने आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है आपको इसमें बताई है मैंने। आगे इंस्ट्रक्शन और भी हैं दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों जूनियर नर्स एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट थी उसमें 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 28,404 इसमें सैलरी आपकी फिक्स रहने वाली है। जो कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट थी 30,000 आपकी एज लिमिट मांगी गई है। एग्जीक्यूटिव नर्स की दोस्तों एक और पोस्ट थी, वहां पे आपकी 2400 ग्रेड पे रहने वाली है। आगे दोस्तों यहाँ इंडिया के ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की दोस्तों यहाँ लिखा गया है कि 5 इयर्स जो है एस सी एस टी वालों कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलने वाला है, 3 इयर्स ओबीसी कैंडिडेट को। जी हाँ दोस्तों, एज पर गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से आपका कैटेगरीज वाइज यहाँ रिजर्वेशन और एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। फीस की बात करें तो दोस्तों यहाँ अभी तक फीस का कुछ इसमें बताया नहीं गया है कहीं भी, शायद इसमें फीस नहीं होगी। अप्लाई में आपको दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपको जस्ट अप्लाई पे क्लिक करना होगा, जो कि मैंने आपको फर्स्ट में बता ही दिया था। जी हाँ, यहाँ पर EWS के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। जी दोस्तों, यहाँ एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में ये आ गया है। ऑल कैंडिडेट हैव टू अप्लाई ऑनलाइन, सेपरेट एप्लीकेशन हैज़ टू बी अप्लाइड ऑन लाइन फॉर ईच पोस्ट। यानी एक पोस्ट के लिए कैंडिडेट को लिए एक फीस, एक बार फीस जमा करानी होगी। यानी अलग अलग यदि आप के लिए अप्लाई करता है तो सेपरेटली उसको फीस जमा करानी होगी। दोस्तों यहाँ 590 आपकी फ़ीस रहने वाली है, जिसमें कि 500 रुपये आपकी फ़ीस है, 18% GST लगने वाला है। और रेट 118 इन केस ऑफ SC ST, यदि आप SC ST कैंडिडेट हैं, एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पर आपकी फ़ीस है जो 118 रहने वाली है। अदर कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 590 फीस रहने वाली है। नो एप्लीकेशन फीस फॉर द डिजेबिलिटीज़, यानी जो हैंडीकेप्ड हैं उनके लिए कोई फ़ीस नहीं आ रहने वाली है। 15 मार्च इसकी लास्ट डेट होने वाली है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो ये सभी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराई है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, गुड बाय दोस्तों।